हम अपने आज वाले वीडियो में मांग का नियम पढ़ने वाले हैं, थ्योरी ऑफ डिमांड। आप ये जानते हैं कि मानवीय आवश्यकताएं अनंत होती हैं। और पूर्ति के साधन जिसको हम रिसोर्सेस कहते हैं वो सीमित हैं, जिनके की वैकल्पिक प्रयोग हो सकते हैं। आपको यह भी मालूम है कि ऐसे में हमारे पास चुनाव की समस्या आती है। चुनाव की समस्या ये तीन प्रकार की होती है, क्या उत्पादन करें, किसके लिए और कैसे, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हूम टू प्रोड्यूस। क्या उत्पादन करें, इसका जवाब हमें मिलता है कि आपके अर्थव्यवस्था की हालत कैसी है, आपके अर्थव्यवस्था की हालत कैसी है। अगर यह पिछड़ी हुई आरंभिक दौर में है तो आपको उपभोक्ता वस्तुओं पर ध्यान देना चाहिए, उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन करना चाहिए। किसके लिए इसका आंसर है कि जो कोई भी व्यक्ति, किसी भी इकोनॉमी में जो कोई भी एजेंट है, जो कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहा है, उसने नेशनल वेल्थ को बिल्ड करने में जितना कंट्रीब्यूट किया है उसको उस हिसाब से उसका रेमुनरेशन मिलना चाहिए। और नेशनल वेल्थ जो है वो किसी एक जगह पर जमा नहीं हो जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर वह एक जगह जमा हो जाएगा तो अर्थव्यवस्था में मोनोपोली लाइक सिचुएशन, जिसको एकाधिकार जैसी स्थिति कहते हैं, वो पैदा हो जाएगी। तो इसका ये किसके लिए, जब हम इस प्रश्न के बारे में बात करते हैं तो बेसिकली हम यह जवाब ढूंढ रहे होते हैं कि जिसने जितना कंट्रीब्यूट किया है उसके लिए वैसा ही उतना ही। एक डॉक्टर है, उसकी अर्निंग ज्यादा है, ऑब्वियसली वो अपने बच्चे को पब्लिक स्कूल में पढ़ाना चाहेगा, यानी इकोनॉमी में पब्लिक स्कूल की भी जरूरत है। एक साइंटिस्ट है तो जाहिर है कि वह जो है वो बासमती चावल खाना चाहेगा। कोई एक व्यक्ति जिसकी आय कम है वो चाहेगा कि हम 200 रुपए किलो वाला बासमती चावल ना खाएं और चावल का रेंज 30 से 40 रुपए किलो हो, या आटा जो है वो 20 से 30 या 32 रुपए केजी में मिल जाए। तो हर के लिए हर टाइप का वस्तु अवेलेबल हो। और कैसे, हाउ, इसका जवाब हमें इससे मिलता है कि कंट्री की हालत कैसी है। अगर कंट्री में पॉपुलेशन ज्यादा है तो श्रम प्रधान तकनीक चुनिए, जैसे इंडिया, बांग्लादेश ऐसे देश हैं जहां पर सस्ते श्रमिक बड़ी मात्रा में उपलब्ध हैं, तो वहां पर श्रम प्रधान तकनीक बेस्ट रहेगा। कनाडा जैसा देश है जहां पर पॉपुलेशन बहुत कम है और कंट्री बहुत वास्ट है। आपको पता है इंडिया के बारे में कि एरिया वाइज हम लोग 7वें लेवल पे आते हैं और पॉपुलेशन वाइज हम लोग वर्ल्ड में आफ्टर चाइना 2nd हैं। तो इंडिया, बांग्लादेश या अफ्रीकन कंट्रीज के बारे में अगर हम बात करें तो वहां पर श्रम प्रधान तकनीक ज्यादा बढ़िया रहेगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। कैनेडा जैसे कंट्री हैं तो वहां पर पूंजी प्रधान तकनीक,
अब इन समस्याओं को सुलझाने के लिए अलग अलग अर्थव्यवस्थाओं में अलग अलग टाइप के सिस्टम हैं। जो कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, जैसा कि अमेरिका में है, तो वहां पर सब कुछ डिमांड एंड सप्लाई के मैकेनिज्म से सुलझाया जाता है। डिमांड एंड सप्लाई मैकेनिज्म, मांग और पूर्ति, मांग और पूर्ति के नियम से समझाया जाता है, सुलझाया जाता है। जो सोशलिस्ट समाजवादी अर्थव्यवस्था है, तो वहां पर एक योजना आयोग होता है, सेंट्रली प्लानिंग कमीशन, और वो इस चीज को सुलझाता है, योजना आयोग इस चीज को सुलझाता है। और जो मिक्स्ड इकोनॉमी है, जिसको मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं, वहां पर क्या है कि गवर्नमेंट और प्राइवेट पार्टीज दोनों मिलकर के ये चीज को सुलझाते हैं। तो जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, या बाकी टाइप के भी जो अर्थव्यवस्थाएं हैं, जो कुछ भी सिस्टम चल रहा है, वहां पर ये डिमांड एंड सप्लाई ये एक बहुत बड़ा रोल निभाता है। जब हम क्लासिकल इकोनॉमिस्ट की बात करेंगे, जो तो उसमें एक से नाम के अर्थशास्त्री थे, उन्होंने से का नियम दिया, और से का नियम कहता है कि सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, सप्लाई सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। लेकिन जैसे जैसे पूरा सिस्टम चेंज करने लग गया, तो आज के डेट में जो प्रोड्यूसर हैं, उन्हें यह पता है कि सप्लाई डिमांड को क्रिएट नहीं करेगा, बल्कि मार्केट में जो डिमांड है, हमें उस चीज को बनाना होगा, और वही हम बनाएंगे, वही बिकेगा। तो बेसिकली जो डिमांड है, मांग है, वो मांग है क्या, किस चीज के संदर्भ में बातें हो रही है, हम आज अपने टॉपिक में हम इसी को कवर करने वाले हैं। तो आइए बने रहिए, ये सारा प्रिलिमिनरी अब आप समझ चुके हैं, तो देखते हैं कि कैसे सारी चीजें काम करती हैं। तो मैंने कहा इच्छा, इच्छा यानी इसके लिए हम कहेंगे डिजायर या विलिंगनेस, ये तो अनंत है। क्या अभी आपको गोलगप्पे खाने का मन कर रहा है? मेरा मन तो अभी कर रहा है कि मैं रसगुल्ला खाऊं, रसगुल्ला खाऊं, ये मेरा मन कर रहा है। लेकिन सिचुएशन क्या है कि रसगुल्ला खाऊं, इसके लिए मेरे पास पैसा भी है, मैं 25 से 30 रुपया या 50 रुपया अफोर्ड कर सकता हूं, लेकिन मेरे पास रसगुल्ला खाने जाने का टाइम नहीं है, क्योंकि मैं अभी आपके लिए एक वीडियो बना रहा हूं। तो इच्छा जब प्रभावशाली हो जाए, जब प्रभावशाली हो जाए, वो प्रभावशाली कैसे होगी? तो उसमें तीन एलिमेंट जुड़ेगा। क्या? कि आपके पास उसको पूरा करने के लिए धन हो, धन को खर्च करने का समय हो, धन को खर्च करने का समय, और ये दोनों चीज मिल जाए, तब वह जाकर के मांग बन जाती है। यानी कहने का यह मतलब है कि जब कोई भी मांग का स्टेटमेंट होगा, डिमांड का स्टेटमेंट होगा, तो हमें उसमें तीन चीजों को देखना पड़ेगा। क्या? कि डेट, एक समय, समय क्वांटिटी यानी मात्रा, और कीमत यानी प्राइस। ये तीन पॉइंट होंगे। मैंने आलू खरीदा आज 25 रुपए किलो, ये एक मांग का स्टेटमेंट हुआ, क्योंकि आपको पता है कि आलू की कीमत आज 25 रुपए है, आगे आने वाले समय में 30 रुपए भी हो सकती है,
या 35 रुपए भी हो सकता है। और ऐसा हो सकता है कि अगर आलू 50 रुपए किलो हो जाए तो मैं शिफ्ट कर जाऊंगा, बोलूंगा छोड़ दे भाई आज आलू नहीं, घिया खरीद लेते हैं और घिये की सब्जी बना लेंगे, या तोरई की सब्जी बना लेंगे, या फॉर दैट मैटर फूल गोभी की सब्जी बना लेंगे। और ये एक कॉमन सी अंडरस्टैंडिंग है कि जब किसी चीज की कीमत ज्यादा होती है हम उस चीज को कम खरीदते हैं। आलू आप किलो में ले लेते हैं लेकिन मशरूम किलो में नहीं खरीदते, चावल आप किलो में खरीद लेते हैं, बल्कि कईयों के घर में चावल और आटे का तो कट्टा भी आता होगा, पूरा पूरा बोरा आ गया खरीद करके, लेकिन जीरा, धनिया या फॉर दैट मैटर सौंफ, ये आप किलो में नहीं खरीदते। और मुझे नहीं लगता है कि अगर आप बहुत बड़े बिजनेसमैन नहीं हैं तो आपने कभी केसर किलो में खरीदा होगा। क्यों? आपको पता है वो 2 लाख या 1.5 लाख रुपए किलो है, तो बहुत थोड़ा सा डिमांड है, बहुत थोड़ा सा डिमांड है। कभी खीर में डाले, कभी दूध में डाल करके पिए, या कभी ऐसा कुछ आयुर्वेदिक कर रहे हैं तो उसमें यूज करेंगे, अदरवाइज वो इतना महंगा है कि हम उसको यूज नहीं करते या ना के बराबर ऐसे ही यूज करते हैं। तो बेसिकली ये सारा डिस्कशन आपको कहाँ लेकर के जा रहा है? ये सारा डिस्कशन आपको लेकर के जा रहा है मांग के फलन की ओर, मांग के नियम की ओर। अब जब मैंने ये कह दिया मांग का फलन, तो मांग फलन होता क्या है? डिमांड फंक्शन जिसको कहते हैं, मांग फलन। ये होता क्या है? ये बेसिकली वो सारे एग्रीगेट्स को का रिलेशन दिखाता है। डी ऑफ एक्स इज अ फंक्शन ऑफ, इज अ फंक्शन ऑफ पी ऑफ एक्स, पी ऑफ आर, वाई, टी, ई। आप कहिएगा कि सर ये मैथमेटिकल सा क्या लिख दिया है मैंने? जी ये कुछ नहीं लिखा है मैथमेटिकल सा, ये बहुत आसान सी बात को लिखने का एक तरीका है ताकि आपको सारी बातें बहुत आसानी से याद रह जाए और आप समझ सकिए। मैंने कहा डी ऑफ एक्स, इसका मतलब हुआ वस्तु एक्स की मांग, वस्तु एक्स की मांग। यहां पर कहिएगा ये एफ क्या है? एफ एक फलन है, एक फलन है। भाई ये क्लास 9th में आप पढ़ते आए हैं, क्लास 9th में जब आप मैथ्स पढ़ रहे थे तब से आप ये वर्ड फंक्शन पढ़ते आ रहे हैं, या सिंपल निर्भर करता है। ये एक आसान सा चीज हो गया, निर्भर करता है। पी ऑफ एक्स वस्तु एक्स की कीमत, जिस चीज को खरीद रहे हैं सबसे पहले तो उसका ही दाम इंपॉर्टेंट है। दाम ज्यादा होगा तो हम कम खरीदेंगे, दाम कम होगा तो हम ज्यादा खरीदेंगे। पी ऑफ आर सम रिलेटेड गुड, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, संबंधित वस्तुओं की कीमत, संबंधित वस्तुओं की कीमत। अब बोलेगा कि सर ये संबंधित वस्तु क्या होता है? तो संबंधित वस्तु से तात्पर्य है दो तरह से हो सकता है, एक हो सकता है पूरक और एक हो सकता है प्रतिस्थापन। पूरक क्या है और प्रतिस्थापन क्या है? पूरक को कहते हैं कॉम्प्लीमेंट, जो साथ के साथ यूज होगा, जैसे जूता और जुराब, जैसे कार और पेट्रोल, ये पूरक वस्तु के उदाहरण हैं, साथ साथ यूज होते हैं। प्रतिस्थापन सब्स्टिट्यूट, ये क्या होते हैं? एक के बदले दूसरा यूज होता है, जैसे कोक और पेप्सी, कोक और पेप्सी। इसमें क्या हुआ कि आप एक के बदला दूसरा यूज कर सकते हैं, चाय या कॉफी, या और लगा लीजिए और कॉफी, टी और कॉफी। तो आप ये समझ गए कि पी आर संबंधित वस्तुओं की कीमत कैसे है। अब सिंपल सी एक एग्जाम्पल देखिए, मैं थोड़ा सा एग्जैगरेट करूंगा।
उम्मीद मान लीजिए कि पेट्रोल की कीमत 5,000 रुपये लीटर हो गई, क्या होगा? कार का डिमांड घट जाएगा, या तो पेट्रोल की कीमत में वृद्धि हुई और कार का डिमांड घट गया, अगर ऐसा सिनेरियो हो तो हम कहेंगे कि ये वस्तु पूरक है। प्रतिस्थापन में क्या होगा? मान लीजिए कॉफी 800 रुपये किलो है या 1,000 रुपये किलो, वो 25,000 रुपये किलो हो जाए, इसका प्राइस बहुत बढ़ जाए, क्या होगा? जो कॉफी पीने होंगे वाले होंगे वो क्या करेंगे, चाय की ओर शिफ्ट कर जाएंगे, यानी चाय का डिमांड बढ़ गया, चाय का डिमांड बढ़ जाएगा। तो प्रतिस्थापन वस्तु को हम कैसे समझेंगे कि अगर एक के प्राइस बढ़ने से दूसरे का डिमांड बढ़ जाए तो हम कहेंगे कि यह प्रतिस्थापन वस्तु है। पूरक को कैसे समझेंगे कि अगर एक के प्राइस बढ़ने से दूसरे का डिमांड घट जाए। जाहिर है, जैसे यहीं पर मान लीजिए गुड़ और चीनी का एग्जाम्पल ले लीजिए, गुड़ और चीनी, चीनी अगर बहुत ज्यादा महंगा हो जाएगा तो लोग क्या करेंगे, लोग गुड़ को यूज करना स्टार्ट कर देंगे। अब आइए, हमने पीआर समझ लिया, अब हम समझते हैं कि वाई का क्या मतलब है। वाई से तात्पर्य है उपभोक्ता की आय, उपभोक्ता की आय। जाहिर है, अगर आमदनी अच्छी होगी वो व्यक्ति डिमांड ज्यादा करेगा और वो नॉर्मल गुड का ज्यादा डिमांड करेगा। अब यहां पर मैंने कहा नॉर्मल गुड, सामान्य वस्तु, और एक तब दूसरा होगा घटिया वस्तु। तो सामान्य वस्तु और घटिया वस्तु क्या है, इसे भी तब समझ ही लेते हैं। सामान्य वस्तु और घटिया वस्तु, घटिया को इंफीरियर भी कहते हैं, इसे इंफीरियर कहते हैं और इसे नॉर्मल गुड कहते हैं। तो अगर उपभोक्ता की आय बढ़ेगी तो नॉर्मल गुड्स का डिमांड बढ़ जाता है, इनकम अगर बढ़ा तो नॉर्मल गुड का डिमांड बढ़ जाएगा, और अगर इंफीरियर गुड है, इंफीरियर गुड, तो उसका डिमांड घट जाएगा, और इसका उल्टा भी सही है, यानी आमदनी अगर घटेगा तो नॉर्मल गुड का डिमांड घटेगा और इंफीरियर का डिमांड बढ़ जाएगा। जाहिर है, अगर गेहूं का आटा बहुत महंगा हो जाए, सपोज कर लीजिए 200 रुपए किलो हो जाए, तो लोग सस्ते अल्टरनेटिव ढूंढेंगे, उस टाइम में मक्के और बाजरे के आटे की ओर शिफ्ट करना पड़ेगा लोगों को। टी जो है वह है टेस्ट एंड फैशन, टेस्ट एंड फैशन, स्वाद और फैशन। स्वाद और फैशन से हमारा क्या तात्पर्य है? स्वाद और फैशन से हमारा तात्पर्य है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो डिटरमाइंड होते हैं कि भाई हमें तो यही ब्रांड चाहिए, या फैशन में भी होता है कि अभी ये स्टाइल चल रहा है, तो जो स्टाइल चल रहा है आदमी उसकी ओर उसका डिमांड ज्यादा करता है। और ईस का मतलब है फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन। भविष्य, भविष्य की संभावना, भविष्य की संभावना से क्या तात्पर्य है कि कल को अगर दाम कम होगा, अगर आपको ऐसा लगता है, ऐसा चांस है, तो आज हम डिमांड कम करेंगे। क्यों? क्योंकि कल जब सस्ता हो जाएगा तब हम खरीदेंगे। तो मांग फलन आप समझ गए क्या? मांग फलन से क्या आप समझे कि मांग फलन जो है वो क्या बताता है? बहुत सारे ऐसे वेरिएबल्स की बात करता है जिससे किसी वस्तु का डिमांड पर असर पड़ता है। मांग फलन से क्या तात्पर्य है? मांग फलन जो है, मैं डेफिनेशन यहां नहीं लिख रहा हूं, डेफिनेशन आप खुद से अपना बनाइए, मैंने उसको बेसिक फॉर्म में लिख दिया, और मुझे लग रहा है कि ये सारा डिस्कशन अगर आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं और समझ रहे हैं, तो आप डेफिनेशन खुद से बना सकते हैं। आप लिख सकते हैं कि मांग फलन जो है वो एक ऐसा फलन है जो ये बताता है कि उन सारे कारकों की वजह से
मांग पर क्या असर पड़ेगा, जिन पर मांग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्भर करता है, जिनकी वजह से मांग में परिवर्तन आ सकता है। तो अब जब हमने मांग फलन को डिस्कस कर लिया, तब हम आगे बढ़ेंगे। अब हम डिस्कस करेंगे मांग अनुसूची, मांग वक्र और मांग का नियम। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मांग अनुसूची। मांग अनुसूची, मांग अनुसूची से को इंग्लिश में बोलते हैं प्राइस प्राइस शेड्यूल। इसमें क्या है, बेसिकली एक तालिका है। क्या है? तालिका। उस तालिका में क्या रहेगा भाई? तो अलग अलग प्राइस रहेगा, अलग अलग प्राइस। और क्या रहेगा उस प्राइस पे? अलग अलग क्वांटिटी, अलग अलग क्वांटिटी। डेफिनेशन आप खुद से बनाइए, डेफिनेशन बुकीज नहीं होना चाहिए, वो रटा हुआ नहीं होना चाहिए, डेफिनेशन आप खुद से बनाइए। तो एक मांग अनुसूची मैं डिजाइन करता हूं। मैंने ये मान लिया कि एक आइसक्रीम की कीमत 10 रुपए है और 10 रुपए मेरे लिए बहुत ज्यादा है, मैं एक भी नहीं खरीदूंगा। मेरा नाम मान लीजिए ए है। दाम घट करके 8 रुपया हो गया। अब मैं हिम्मत कर सकता हूं कि चलो एक दे दो भाई। दाम घट करके मान लीजिए 6 रुपया हो गया, मैं बोलूंगा 2 दे दो। दाम घट करके 4 रुपया हो गया, दाम घट करके 4 रुपया हो गया और अब मुझे 4 पीस चाहिए। दाम घट करके 2 रुपया हो गया, अब मुझे 6 पीस चाहिए। और दाम अगर 0 रुपया हो गया तो 10 पीस चाहिए। ये मैंने क्या किया, अलग अलग प्राइस लिया और उस पर मुझे कितना चाहिए होगा मैंने वो लिखा। अब इसी को अगर ग्राफिकली हम प्रेजेंट करें तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा? हाँ नमस्ते, थैंक यू। इस एक्सिस पे मैं प्राइस और इस एक्सिस पे मैं क्वांटिटी लिख रहा हूं। जब दाम 10 रुपया है, यहां सपोज कर लीजिए 10, तो मुझे 0 पीस चाहिए। दाम 8 रुपया तो मुझे 1 पीस चाहिए। दाम 6 रुपया मुझे 2 पीस चाहिए। एंड सो ऑन। दाम अगर 4 रुपया, प्राइस 4 रुपया, तो मुझे 4 पीस चाहिए। और इसी तरीके से जब दाम 0 रुपया तो मुझे 10 पीस चाहिए होगा। तो ये मैंने क्या किया, प्राइस और क्वांटिटी को दिखाया और इस शेड्यूल को मैंने यहां पर ग्राफ में दिखाया। और ये जो लाइन मिला, इसे हम कहते हैं मांग वक्र। क्या कहते हैं? मांग वक्र। बेसिकली प्राइस यहां होना चाहिए, क्वांटिटी यहां होना चाहिए। कि प्राइस जब 10 रुपया है तो 0 पीस, और प्राइस अगर घट रहा है, प्राइस जैसे जैसे घट रहा है तो फिर मैं ज्यादा खरीद रहा हूं। तो ये आपका मांग वक्र हो गया। तो मांग अनुसूची क्या है? टेबुलर रिप्रेजेंटेशन। और उसी टेबुलर रिप्रेजेंटेशन का जब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो आपको क्या मिलता है? मांग वक्र। ये तो हुआ किसी एक व्यक्ति के लिए। अगर यहीं पर हम किसी और दूसरे व्यक्ति को डाल दें जिसका ज्यादा पैसा है, तो उसे 10 रुपया पे भी 1 पीस चाहिए होगा।
8 रुपया पे सपोज कर लीजिए वो 2 पीस खरीदेगा, 6 रुपया पे सपोज कर लीजिए वो 4 पीस खरीदेगा। तो इस तरीके से क्या होगा, क्वांटिटी डिमांडेड इन मार्केट, यानी बी का अगर ग्राफ ले तो उसको 10 रुपया पे भी 1 पीस चाहिए, यानी उसका ग्राफ यहां से स्टार्ट होगा, उसका ग्राफ ऐसे होगा, ये हुआ क्वांटिटी डिमांडेड बाय बी। और अगर मार्केट वाला लें तो मार्केट में क्या होगा, 10 रुपये पे 0+1 1, 8 रुपये पे 3 पीस, 6 रुपये पे 6 पीस, 4 रुपये पे मान लीजिए इसको यहाँ 5 चाहिए तो 9 पीस, एंड सो ऑन। यानी मार्केट डिमांड कर्व जो होगा वो ऐसा हो जाएगा, क्वांटिटी डिमांडेड इन मार्केट। तो हमने मांग अनुसूची, मांग तालिका ये देखा। अब हम बात करेंगे, और यहीं पर हमने बाजार मांग भी देखा, अब हम बात करेंगे मांग के नियम के बारे में। मांग का नियम, मांग का नियम, मांग का नियम क्या कहता है? मांग का नियम कहता है अन्य बातों के समान रहने पर मांगी गई मात्रा और कीमत में विपरीत संबंध होता है, देर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी, सेटरस पेरिबस और गिवन अदर थिंग्स आर कॉन्स्टेंट। तो यह है हमारा मांग का नियम। तो अभी तक जो हमने सीखा है उसको एक बार फिर से हम समराइज करते हैं। हमने सीखा कि मांग क्या है, मांग फलन, मांग अनुसूची, मांग तालिका, मांग का नियम। और हम अपने नेक्स्ट वाले वीडियो में जो और रिलेटेड टॉपिक हैं, इसमें मांग में परिवर्तन और मांगी गई मात्रा में परिवर्तन, हम इसके बारे में बात करेंगे। मांग में परिवर्तन और मांगी गई मात्रा में परिवर्तन, मांगी गई मात्रा में परिवर्तन, हम इसके बारे में बात करेंगे। हम ये बात करेंगे कि मांग वक्र नेगेटिवली स्लोप्ड, ऋणात्मक ढलान वाला क्यों होता है, ऋणात्मक ढलान वाला क्यों होता है। हम ये भी बात करेंगे कि मांग के नियम के अपवाद क्या हैं, किस किस सिनारियों में मांग का नियम काम नहीं करता है, ये हमारे नेक्स्ट वाले वीडियो में हम लोग इसको डिस्कस करने वाले हैं। अभी चूंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा इसलिए इसको यहीं पे रोकता हूँ।